अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमानी और आप देख रहे हैं MBS स्टूडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही मज़े की इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आया हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि होंडा हर साल अपने कस्टमर्स के लिए एक नया मॉडल निकालता है। सो पहले तो हर साल होंडा जो है वो अपने कस्टमर्स को चुनने लगाता था कि टैंकी को जो उसके कलर स्टिकर वगैरह चेंज करके हर साल नया मॉडल निकाल देता था और कहता था कि नया मॉडल आ गया। लेकिन इस साल होंडा ने खुद शर्म खाई है और बहुत सारी चेंजिंग इसमें लेके आए हैं। उन्होंने ना सिर्फ इस टैंकी का कलर चेंज किया है, उससे स्टिकर चेंज किए हैं, बल्कि इसमें तकरीबन 101 चेंजेस किए हैं। और 101 चेंजेस में तकरीबन 48 चेंजेस ओनली इंजन में हैं और बाकी 53 इंजन इसमें पूरी बॉडी में, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट पार्ट्स में। और किसी का इन्होंने मटेरियल चेंज किया है, किसी को छोटा कर दिया साइज को, किसी को बड़ा कर दिया। सो हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पूरी डिटेल पूछते हैं अपने हैदर भाई से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हैदर भाई, आप हमें डिटेल से बताएं यार, इनमें कौन कौन सी चेंजिंग हुई हैं और कौन कौन से पार्ट इन्होंने चेंज किए हैं? इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। इसका हेड चेंज किया है, सिलेंडर चेंज किया है उसका, ठीक है। अच्छा, इसकी क्लच प्लेट चेंज की है, पूरा यानी कि बक्सा चेंज किया, ठीक है। इसकी टैंकी भी चेंज कर दी है उन्होंने, सीट चेंज की है और इसका ग्राशर चेंज किया है लोगों ने, ठीक है। और इसका ये टैंकी का मोनोग्राम किया है, ठीक हो गया। और शाफ्ट के बॉटम चेंज किया हम लोगों ने, ठीक है। और ये सारे की ये रबड़ है, ये चेंज किया हम लोगों ने, टूट जाती तो अभी ये अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई है, ठीक हो गई। इसकी फिटिंग अच्छी है, ठीक हो गई। इसका क्लच बक्सा पूरा चेंज किया है, ठीक है, इंजन के अंदर। इंजन के अंदर पूरा क्लच बक्सा चेंज किया, इसका कार्बोरेटर चेंज किया, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है? उसकी पिक ज़्यादा है इंजन में से, वादा अब बात खत्म हो गई, ठीक है। इसका कारपेटर चेंज किया इन लोगों ने, हेड सिलेंडर के अंदर रिंग पिस्टन भी सारा चेंज है, इसके रिंग सारे चेंज है, एक तरह के रिंग, ठीक है। वाल भी बड़े कर दिए हैं, वाल सीले प्रेशर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसकी गैसकेट भी इन लोगों ने सिंगल कर दी है, ठीक है। अच्छा। और इसके ये कैप वाले नट थे, तीन लगे होते थे, अब चार लगा दिए, ठीक है। और इसकी ये टिक्की भी चेंज कर दी गई है, ठीक है। और इसकी ये टूल गेट थी वो भी इन लोगों ने चेंज कर दी है, छापे के अंदर टूल गेट थी वो 1-5 वाली लगा दी इसको, ठीक है। इसका इसके नीचे खतरा है वो अच्छा कर दिया लोगों ने, ये मजबूत कर दिया, ठीक है। और इसकी सीट की शेप भी चेंज की है हम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने इंजन में चेंजिंग दी है, जो बॉडी में चेंजिंग की, उनके लिए मजबूती होगी। इंजन में चेंजिंग तो की है, इंजन में मजबूती की है, इसकी पाइप बढ़ गई, इसकी पिक बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इंजन में चेंजिंग की है उसमें कोई फ्यूल के ऊपर भी इफेक्ट हुआ है? फ्यूल के ऊपर भी, वो फ्यूल तकरीबन ठीक ही हो गया इसका फ्यूल। कितनी एवरेज निकाल देगी एक लीटर में? तकरीबन कम से कम 65 किलोमीटर करेगी, यानी कि 65 किलोमीटर एक लीटर में करेगी। ओके हो गया फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हैदर भाई ने मुकम्मल डिटेल बताई कि जो कौन सी चीज़ें इसमें चेंज हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल MBS स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि ये जो नया मॉडल आया है इसमें काफ़ी चेंजिंग है और ये पुराने मॉडल से बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर है और फायदेमंद है। उम्मीद है कि ये क्लेम भी नहीं होगा इस गाड़ी में ना मेरे साथ। और पीछे इसकी चैन भी इन लोगों ने खुद अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपना प्लान लगाया, चैन खुद ही बना के डालते हैं, NFT की चैन डाली है इसमें। कराची में अपना प्लान बनाया इन लोगों ने, चैन भी चेंज की है। पहले LED की चैन आती थी और इसकी चैन भी इंशाल्लाह दुरुस्त रहेगी। जैसा कि आपने भाई से पूछा, इन्होंने बताया आपको डिटेल में कि हर चीज़ इसमें चेंजिंग हुई है। और अगर आप होंडा के यूज़र हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक दफ़ा 2022 मॉडल पे मूव करें इस मॉडल पे, और ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। और इसमें जो इंजन में चेंजिंग की है उसमें से इसकी इंजन की एक तो आवाज़ ख़त्म हो गई है, नंबर दो इसमें से जो अपना इसकी पावर पिकअप है वो ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट्स और फ़ायदे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।